तो गाइस कैसे हैं, मैं विजय स्वागत करता हूं आज के इस ब्लॉग पे। तो दोस्तों कल वाले वीडियो में जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें मैंने दिखाया था ज़िकर बोल के जो इलेक्ट्रॉनिक कार था उसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल्स बताई थी। तो मेल्ट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वो गाड़ी आपको कैसे लगी। तो आज मैं आपको एक कार जो दिखाने वाला हूँ ये बहुत ही छोटा सा एक अपडेट टाइप का मैं कार है, क्योंकि वो टाइम पर मैं उसको एक ही वीडियो में कवर नहीं कर पाया था इसके लिए। तो अभी मैं आपको कुछ ब्रांड दिखाता हूँ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इस ब्रांड के बारे में आप डिटेल जानना चाहेंगे कि नहीं। तो ये है BYD और एक है आपका यहाँ पे एक और कार मैं आपको दिखाता हूँ जो कि काफ़ी मिलती जुलती जिपर जो हमारे जो जिपर जो एडिशन वाले जो कार है व्रैंगलर की तरह हुबहू कॉपी है, जो कि है ये बाइक ये वाली कार। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन दोनों में से कौन सी गाड़ी के बारे में आप जानना चाहेंगे। फिलहाल जो मैं आज इस कार के लिए जो मैं कार दिखाने वाला हूँ वो दो कार है, एक तो एक सेकेंड हैंड है और एक चाइनीज़ है, लेकिन माइंड ब्लोइंग है, बहुत छोटा सा है, प्राइस भी बहुत क्यूट सा है। एक है ये ट्विटर बहुत ही खूबसूरत सा कार आपको देखने को मिल जाएगा, और दूसरा ये यूयो माइंड ब्लोइंग। मेरे को ये चाइनीज़ वाले बनाते बहुत खूबसूरत सा है, लाइक फ्यूचरिस्टिक कार जैसे आपको देखने को मिल जाएगा, फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक है। बाकी ये सामने फ्रंट पे कुछ ऐसा देख सकते हैं, ऐसा कुछ लुक्स वगैरह है। ये आपका यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन है, तो ये यहाँ पर एक छोटा सा लोगो यहाँ पर देख सकते हैं, फ्रंट पर आप ये कुछ ऐसा लुक्स वगैरह देख सकते हैं, और पीछे की तरफ अगर देखूं तो छोटू मोटू सा है, इसको लेट मी प्रेस आपको दिखा देता हूं। ये देखो ऐसा कुछ है, छोटा सा है लेकिन बहुत प्यारे से, मतलब छोटे मोटे यूज़ के लिए काफ़ी ज़बरदस्त कार देखने को मिल सकता है। बाकी ये इतना ऑटोमेटिकली है, मैनुअली हमको प्रेस करना पड़ेगा, चार्ज नहीं है आई थिंक इसकी वजह से नहीं हो रहा है। तो ये है कुछ इसका बैक का। अब मैं आपको अंदर की तरफ लेके जा रहा हूँ, जो कि डोर कुछ ऐसा ओपन होता है और इंटीरियर कुछ आपका ऐसा देखने को मिल जाएगा, छोटा सा है लेकिन सनरूफ भी आपको दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए अंदर देखते हैं अंदर क्या है। बाकी अंदर ये है ऑटोमेटिक आपका जो ड्राइविंग यहाँ पे सीट दिया हुआ है, डोर बंद करने के लिए ऐसा कुछ हैंडल दिया हुआ है, और स्टार्ट में अगर करता हूँ देखा स्पीकर में बोल भी रहा है वेलकम टू XCV। तो AC ऑन कर लेता हूँ, बहुत गर्मी है। ओके तो यहाँ पे मोबाइल होल्डर भी दिया हुआ है, भाई साहब क्या कर रहे हैं इन लोग। ये देखिए लेट मी चेक हाउ इज लुक्स लाइक, ये देखो मोबाइल होल्डर भी यहाँ पे लगाने के लिए दे दिया है। बाकी छोटू मोटू से में है, बाकी जबरदस्त भाई जो भी बोलो जबरदस्त है। यहाँ पे सीट भी अच्छा खासा दिया हुआ है, स्पेस अवेलेबल अच्छी खासी है, जो पकड़ने की जो कैपेसिटी है वो भी काफी दमदार लग रहा है मुझे, एकदम जबरदस्त, बाकी जबरदस्त है। चलो चलिए चलते हैं, और तो इसमें ऐसे दिखाने लायक ऐसा कुछ है नहीं, बाकी छोटा सा है, मतलब ओके मतलब बाइक अगर दुबई के रोड में अगर मेरे को बाइक चलाना है और गर्मी से भी दूर रहना है तो मेरे ख्याल से उस हिसाब से ये इसकी जो रेंज है ये कुछ करीबन 400 किलोमीटर तक चली जाती है फुल चार्ज में, और इसकी जो प्राइस वगैरह है वो 35,000 दिराम है, बाकी न्यूशल भी है, आप आके यहाँ पे एक बार चेक कर सकते हैं। बस ये छोटा सा अपडेट था। और एक ये गाड़ी आप देख सकते हैं ट्विस्टर बोल के, ये तो काफ़ी हद तक नॉर्मल है, लेकिन ये अभी तो कुछ दिखा इतना कुछ खास इसमें है नहीं दिखाने जैसा, क्योंकि ये अभी थोड़ा ये डैमेज वाला है। चलो एनीवेज मैं आपको और एक जो कार दिखाने वाला हूँ वो है BYD। ये BYD भी काफ़ी ज़बरदस्त है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इस BYD के बारे में आप कितना जानते हैं, क्योंकि इंडिया में है आई थिंक, ये रिसेंटली इंडिया में भी आया हुआ है। थोड़ा सा हम लोग अंदर का देख लेते हैं कैसा है नहीं है। इंटीरियर बहुत खूबसूरत सा है, ऑलमोस्ट J2 जैसा ही है, बहुत खूबसूरत सा इंटीरियर है, बट इट्स ओके गुड है। पीछे भी है, देखते हैं पीछे कैसे है। क्या छोटी गाड़ी में नो डाउट बहुत लग्जरियस वाला आपका फीलिंग यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब सीट जो दिया है वो पूरा स्पोर्टी लुक्स है, और बैग में तो अच्छा खासा स्पेस है, इट्स गुड, बहुत बहुत ही खूबसूरत सा है, बहुत ही उमदा बनाया हुआ है, बहुत अच्छा है। बिल्ड योर ड्रीम इसका पूरा जो नाम है BYD, बिल्ड योर ड्रीम, बहुत ही ये भी EV है। तो ये था आज का वीडियो,
लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। आप मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि नेक्स्ट आप कौन सी कार के ऊपर वीडियो चाहेंगे। मैं कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द वो वीडियो बना के दिखाने के लिए। चलिए फिर, बाय बाय।